राकेश सिंह बोले, भाजपा के लिए राहुल गांधी लकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी 9 नवंबर को चुनाव प्रचार के लिए जबलपुर आ रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर जिले की पश्चिम और पूर्व विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ पदयात्रा करेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी के जबलपुर आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी के जबलपुर आने से पहले भाजपा के स्टार प्रचारक यूपी सीएम आदित्यनाथ योगी संभवतः 8 नवंबर को जबलपुर आ सकते हैं, हालांकि अभी उनका समय नहीं मिला है। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट कही जा रही है। यहां पर कांग्रेस ने पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत को उतारा है तो भाजपा ने सांसद राकेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। वहीं दूसरी तरफ जबलपुर के पूर्व विधानसभा में 2 पूर्व मंत्री चुनाव मैदान में हैं। दोनों ही विधानसभा में राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा करेंगे। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा मध्य प्रदेश की उन 8 विधानसभा में शामिल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। 2 बार से पश्चिम विधानसभा भाजपा हार रही है। यही वजह है कि इस सीट पर भाजपा ने 4 बार के सांसद राकेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। ये विधानसभा दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, इसलिए खुद राहुल गांधी इस विधानसभा क्षेत्र में पैदल यात्रा करेंगे। उनकी पैदल यात्रा का रूट जबलपुर के गोरखपुर इलाके से शुरू होकर नर्मदा के गौरीघाट तक का तय किया गया है। 2018 विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत राहुल गांधी ने जबलपुर के गौरीघाट से ही शुरू की थी। इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत हासिल हुई और कांग्रेस सत्ता में स्थापित हो गई थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का चुनाव प्रचार भी पश्चिम विधानसभा के नर्मदा तट से कांग्रेस ने शुरू किया था, जिसमें प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजन कर चुनाव प्रचार का आगाज किया था। राहुल गांधी के जबलपुर कार्यक्रम को लेकर पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भनोत ने बताया कि 9 नवंबर को राहुल गांधी जबलपुर आ रहे हैं, जहां पर कि वो जिले की पूर्व और पश्चिम विधानसभा में पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, उस दौरान उन्होंने चाहा था कि वो जबलपुर आए, लेकिन वो हो नहीं पाया। यही वजह है कि अब राहुल गांधी पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करने आ रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का हमारे क्षेत्र और जिले की जनता बहुत ही उत्साह के साथ उनका स्वागत करने और मिलने के लिए इंतजार कर रही है। जबलपुर में राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर भाजपा सांसद राकेश सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए लकी हैं और इसलिए जबलपुर आ रहे हैं। अब मेरी जीत सुनिश्चित हो गई है, उनके आने का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। राकेश सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार या प्रवास के लिए पश्चिम विधानसभा को चुना है तो इससे ये साबित होता है कि पश्चिम में कांग्रेस अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और इसलिए उनके सामने बड़े नेता को दांव पर लगा रही है। राकेश सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने किसी भी बड़े नेता को बुला ले, लेकिन जब जनता भाजपा को आशीर्वाद देने को तैयार हो चुकी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, क्योंकि जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। हमारे लोकप्रिय नेता, लाडले नेता, आदरणीय राहुल गांधी जी संस्कारधारी जबलपुर में आ रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में। वो जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में उनका आगमन होगा। निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के समय लोग ये चाहते थे कि वो इस भाग से भी मध्य प्रदेश के निकले, पर वो हो नहीं पाया था। अब वो पद यात्रा करने अगर जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं तो हमारे क्षेत्र की जनता बड़ी उत्सुकता के साथ उनका स्वागत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हमेशा से मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लकी ही रहे हैं और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को भारतीय जनता अपने पदयात्रा के लिए या अपने प्रवास के लिए राहुल गांधी जी ने चुना है। इससे साबित होता है कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और इसलिए अपने सबसे बड़े नेता को वो दांव पर लगा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।